वीडियो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए जो वर्ड है प्रेरीज, ये सर इज द नेम ऑफ अ ग्रासलैंड। ये जो वर्ड है प्रेरीज, इसका ये जो वर्ड लिया गया है कहां से? फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड है व्हिच मींस ग्रासलैंड, मीडोज और रोलिंग प्लेन्स ऑफ ग्रास। देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्रेरीज इज अ फ्रेंच वर्ड व्हिच मींस ग्रासलैंड, मीडोज और रोलिंग प्लेन्स ऑफ ग्रास। तो इसका मतलब ये है, एंड इट इज अ ह्यूज स्ट्रेच ऑफ ग्रासलैंड कवर्ड बाय माइल्स एंड माइल्स ऑफ ग्रासेस। ये एक बहुत बड़ा ह्यूज, ह्यूज मींस वेरी बिग, बहुत वास्ट, बहुत बड़ा ग्रासलैंड एरिया है जो बहुत ही माइल्स तक, बहुत ही माइल्स तक जो ग्रासेस है उससे ये कवर्ड है। इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें ये ग्रासलैंड है। एंड दिस ग्रास हेयर रिमेन्स ग्रीन इन द समर। देखिए समर सीजन में क्या होता है, ये ग्रास जो है वो एकदम ग्रीन रहती है, एवर ग्रीन जो ग्रास है वो एकदम ग्रीन रहती है एंड टर्न्स ब्राउन इन ऑटम सीजन। और जब भी ऑटम सीजन आता है, ऑटम सीजन का मतलब क्या होता है, पतझड़ का मौसम, जब प्लांट्स जो होते हैं उसमें से पत्ते झड़ने लगते हैं, ट्रीज शेड देयर लीव्स, जब पेड़ जो होते हैं उसमें से पत्ते झड़ने लगते हैं, लीव्स शेड करने लगती है, तो वो ऑटम सीजन होता है। तो ऑटम सीजन में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, जो ग्रास होती है, तो ग्रास जो है वो ब्राउन होना शुरू कर देती है, जब सूख जाती है वो तो ब्राउन होना शुरू कर जाती है, और समर सीजन में वो एकदम ग्रीन रहती है, हमेशा वो ग्रीन रहती है समर सीजन में, और ऑटम सीजन में वो ब्राउन हो जाती है। सो ये बात थी प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका की। आर नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन। अब हम प्रेरीज की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेरीज कहां पर लोकेटेड है। सो स्टूडेंट द लोकेशन ऑफ प्रेरीज, अब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 52 मैप। सो स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 52 मैप 7.2, यू कैन सी द मैप ऑफ प्रेरीज का, नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे उसमें प्रेरीज आपको दिख जाएगा। एंड द प्रेरीज फॉर्म अ ट्रायंगुलर एरिया। जो प्रेरीज है मैप में आप देखेंगे पेज नंबर 52 पर, जो प्रेरीज एरिया है उसमें ट्रायंगुलर शेप, जो एक कवर्ड जो एरिया कवर्ड है वो ट्रायंगुलर शेप। क्लाइमेट। सो स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। हम प्रेरीज के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। सो द प्रेरीज हैव हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। यहाँ पर क्या होता है, समर जो होते हैं गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं यहाँ पर, समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और विंटर सीजन में ठंडा मौसम होता है। सो द एरिया एक्सपीरियंसिंग रेनफॉल इन द समर सीजन, और समर सीजन में यहाँ पे बरसात भी होती है, जो गर्मियों का मौसम होता है वहाँ पे बरसात भी होती है इसमें। एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैन वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, और हर साल जो अमाउंट होता है रेन का, जो मात्रा है, जो अमाउंट है रेन का, वो चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है ईयर टू ईयर। हर साल ऐसा नहीं है कि इस साल बहुत ज़्यादा बरसात होगी तो अगले साल भी उतनी ही बरसात हो या उससे और ज़्यादा बरसात हो, जो उसका जो अमाउंट है रेनफॉल का वो क्या होता रहता है, वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है हर साल, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा, तो ईयर टू ईयर वेरी करता है। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो फ्रॉम अक्रॉस द ग्रासलैंड ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर सीजन। देखिए समर और विंटर दोनों सीजन में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, चाहे समर सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो, दोनों ही सीजन में जितना भी एरिया है प्रेरीज का यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं। सो स्टूडेंट दिस टॉपिक इज कम्प्लीटेड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन ऑफ प्रेरीज।